धीरे धीरे समझ में आया कि सिर्फ सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं, थर्ड ये है वो क्या है आपको मैंने जो बताया था, रेवोल्यूशन सोशल, यहाँ पे आपको बाकी चीजें भी प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट, तो मैं मतलब उनका हेल्थ वगैरह भी सारी चीजें, आप उनके साथ डिनर लंच वगैरह करें, घर जैसा माहौल दें, तो इस बिल्डिंग में जो थर्ड फ्लोर है वहाँ पे वो व्यक्ति रहते हैं, क्योंकि कोरोना के अंदर आना जाना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने उनके रूम फैसिलिटी, खाना वगैरह सब थर्ड फ्लोर के अंदर कर रखा है। तो मैं यहाँ पे, मेरे एडिटर्स यहाँ पे, मेरे टीचर्स यहाँ पे और सब लोग रहते हैं, तो उस तरह की आप चीजें करें। मैंने अपने एम्प्लॉयज को कह रखा है, आप फर्स्ट ईयर काम करो आपको मैकबुक फ्री, सेकंड ईयर करो आईफोन फ्री, थर्ड ईयर काम करो 3 लाख का बोनस, 5 साल काम करोगे गाड़ी बताओ आपको कौन सी चाहिए। तो अगर वो अच्छा टीचर है तो उसको बोल रखा है फॉर्च्यूनर लेंगे, वो छोटा है तो उसे बोल देंगे होंडा सिटी लो, तो वो व्यक्ति की यही चीजें होती है यार, मेरे को लैपटॉप मिल जाए, फोन मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, तो इस प्रकार की आप कुछ चीजें उनके लिए करते रहे, ठीक है उनके, तो ये आप चीजें धीरे धीरे सीखोगे मतलब, पर मजेदार है। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि मेरी उम्र 23 साल है अभी, ज्यादा नहीं है, आप ग्रेजुएट होते हो तो आपकी 21-22 साल उम्र होती है, और इस छोटे से समय के अंदर मुझे एक चीज में जिसमें मैं बोलूंगा मैं रिच हूँ वो है एक्सपीरियंसेस। लोग कैपिटल को ज्यादा समझ पाते हैं, ठीक है, मतलब जब आपका इंट्रोडक्शन होता है तब भी आप बोलते हैं कि यार यंगेस्ट मिलियनेयर, 5 TEDx, 6 YouTube चैनल्स, कुछ कुछ बोलते हो, पर मुझे लगता है मेरा एक्सपीरियंस समहाउ ज्यादा रह पाया, और वो इसलिए रह पाया, तो सबका रहता है मेरे हिसाब से जो जो लोग स्टार्टअप अपना करते हैं, तो इसलिए एक स्टार्टअप, दूसरा एक रिलेशनशिप आपको बहुत कुछ सिखा रहे होंगे आपके इस कॉलेज जर्नी के दौरान। Thank you.